हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस बहुत ही ब्यूटीफुल से और बहुत ही खुशबूदार प्लांट मधुकामिनी या ऑरेंज जैस्मिन के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट तीन तरह की वैरायटीज में अवेलेबल रहता है। एक होती है माइक्रो कामिनी, और एक ये वाली, और तीसरी वाली होती है जिसके पत्ते इससे भी थोड़े बड़े होते हैं। और जो मिनी कामिनी होती है, ये माइक्रो कामिनी होती है, उसके पत्ते इससे थोड़े छोटे रहते हैं। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दियों में ये डोरमेंट रहता है, लेकिन जैसे ही मार्च अप्रैल आता है, वैसे ही ये अपनी नई ग्रोथ और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। ये इस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और उसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं। जैसे हमारे मोगरे और रात रानी के होते हैं, उसी तरह की भीनी भीनी खुशबू इन फूलों में आती है। ये प्लांट रुक रुक कर फ्लावरिंग करता है। जैसे अभी ये पूरी अच्छी तरह फ्लावरिंग कर रहा है, फिर ये थोड़े दिन के लिए, जैसे 10-15 दिन के लिए रेस्ट में चला जाएगा, और फिर 10-15 दिन बाद ये वापस से फ्लावरिंग करेगा। इसके लिए 10 से 12 इंच का जो पॉट होता है वो सही रहता है, और मिट्टी इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन, और मतलब इस तरह की होनी चाहिए कि पानी रुके नहीं, लेकिन मॉइस्चर जो है वो बना रहे। इस प्लांट को आप बॉन्साई की तरह भी डेवलप कर सकते हैं। इसे आप सीड और कटिंग दोनों से ही लगा सकते हैं। जैसे मेरा भी प्लांट, ये देखिए, नर्सरी से लाई थी मैं, लेकिन ये कटिंग से ही लगा हुआ है। ये देखिए, ये कटिंग से ही ग्रो करा हुआ प्लांट है, और जब ये इसके फ्लावर है वो स्पेंड हो जाएंगे तो इसके सीड पॉट डेवलप होते हैं इनमें। लेकिन वो सीड पूरे अच्छे तरह से डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले वो थोड़े से ग्रीन कलर के होंगे, फिर पर्पल, और फिर थोड़े से ब्लैक कलर के, उसमें बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा तो आप या तो मार्च अप्रैल में, और या फिर मानसून सीजन में इसको आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए। कटिंग से ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये एक खुशबूदार प्लांट है, इसलिए ये तितलियों और मधुमक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्लांट की अगर आप कटिंग या प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए फरवरी मार्च का जो मौसम होता है वो बेस्ट रहता है। और या फिर जैसे ये इसके जो फ्लावर है वो स्पेंड हो जाए, तो उसके बाद आप इसकी टिप्स पे से हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। तो फिर यहाँ से, जहाँ से आप कट करेंगे, वहाँ से दो ब्रांचें निकलेगी, उससे आपका जो प्लांट है वो बहुत ही बुशी बन जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट बार आपके इसमें फ्लावरिंग होगी तो वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि फिर उसमें ब्रांचेस भी बहुत सारी हो जाएगी, इसलिए फ्लावरिंग भी बहुत सी होगी। इस प्लांट को फुल सनलाइट पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे और बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, तो इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप में रखिए। अगर इसको फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये ना ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और ना ही अच्छी ग्रोथ करेगा। फर्टिलाइजर की बात करें तो, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी पत्तियां देखिए कितनी शाइनी और ग्रीन है, तो इसके लिए आपको फ्लावरिंग के लिए तो इसको अच्छा पोटेशियम चाहिए, और इसकी जो लीव्स है उसको अपनी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए, और जो ये शाइन होती है इसकी, ये मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए। तो आप इसको इस तरह का फर्टिलाइजर दीजिए जिसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में हो। तो उसके लिए आप बनाना पील फर्टिलाइजर या अनियन पील फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, या अपने घर में जो यूज करी हुई चाय पत्ती होती है आप उसे अच्छी तरह धो लीजिए, और फिर वो चाय पत्ती आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कोई भी बैलेंस एनपीके यूज कर सकते हैं। एनपीके को आप इसकी मिट्टी में डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और या फिर पानी में घोलकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।